तो नमस्कार, प्रकृति की महान विडम्बना है, ये कहेंगे ईश्वर की बड़ी लीला है। जिसको जिस तरीके से रखना चाहें उस तरीके से रहता है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब ईश्वर की विशेष कृति, ये किस साल की, कितने साल की बिटिया है? 22 साल की बिटिया है। क्या नाम है? शिवानी। ये शिवानी बिटिया है जो 22 साल की हो गई है। 22 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन प्रकृति की ऐसी बनावट, विकलांगता ईश्वर ने दी, जो भी उनका दंड रहा हो, 22 साल की उम्र तक में चलने, लिखने, बोलने, हाथ पैर चलाने में हर तरीके से विकलांगता है। न पैर चल सकते हैं, न हाथ चल सकते हैं, न मुंह से बोल सकती है, ये पोजीशन है। उसी तरीके से दूसरी बिटिया है, क्या नाम है? प्रेमिका। क्या कुछ बोल सकते हैं? तो बताएंगे प्रेमिका तो बताएंगे। देखो उधर वो क्या कह रहा है, उधर देखो, उधर। इसकी भी सेम तरीके से विकलांगता। प्रकृति की जब भी दंड हो, उसे बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा भी नहीं कह सकते। जो स्थिति सामने है, शासन प्रशासन से यही मांग है कि जो इनको राहत मिल सकती है, इनको जो विकलांगता वाला पेंशन या जो भी अन्य सहायता मिल सकती है, वो सहायता दी जाए। आइए प्रेमिका विद्या के, ये कितनी उम्र है? लगभग 21 साल की उम्र है आपकी, 22 साल की उम्र है ना? कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं बोलो, कुछ नहीं बात, कुछ नहीं बात है। ये छी बातें कहेंगे, समय कुछ नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे? आप प्रमुख पुरस्कार के पिताजी हैं जी। ईश्वर दया। ईश्वर दया जी, ये आपकी दो बेटियाँ हैं जी? नहीं, तीन। दो लड़कियाँ और हैं, दो लड़कियाँ और हैं। चार बेटियाँ हैं, इनमें से दो बेटियाँ ये हैं, ये पहली वाली। अच्छा, और दो बेटियाँ ठीक है? दो बेटियाँ ठीक है। वो जो सही वाली बेटियाँ वो हैं जी। निवेदन करूँगा दोनों बेटियों तरफ कैमरा मिल जाए, दोनों बहने हैं। तो ये सबसे आपकी बड़ी बेटी है जी? ये बड़ी है, ये छोटी है, फिर इसके बाद लड़का है। 22 साल की उम्र हो गई, और 21 साल की हो गई शिवानी, 22 साल की हो गई, और प्रियंका 21 साल की हो गई। इस समय तक शासन की तरफ से कोई इनको मदद मिली है? कुछ नहीं मिली, केवल साइकिल वगैरह मिली है। वो साइकिल जो हाथ चलाने वाली साइकिल, वो भी नहीं, धक्का मार चला कैसे पाएंगे? वो हम चला ले। क्या आपने कभी यहाँ के एसडीएम साहब से या तहसीलदार से या हमारे ग्राम प्रधान से किसी कुछ कहा? कहा सबसे, उन्होंने खड़ी हो जाए आधार कार्ड। इनकी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इनकी बड़ी समस्या आ रही है कि यही कर यही सर खड़ी करती उनकी दोनों के लिए वीडियो बना रहे, मेरी तरफ आ रही है। हाँ बनना है, चलो बोलो बोलो। ये दोनों बड़ी बेटियाँ हैं, ये दोनों जो है उनके इधर आओ, दो अन्य बहनें हैं। क्या नाम है आपका? राखी। आपका? राखी सोनी। आप लोग बड़ी बहनों की सेवा करती हैं? बड़ी बहनों से बात होती है? जब इनको आप विकलांग पाती हैं कि आपके साथ दौड़ भी खेल नहीं सकती, ठीक है ना, दौड़ के चल नहीं सकती, तो कैसे महसूस करती हैं? बहुत तकलीफ महसूस करती है। अच्छा नहीं लगता ना? उनके साथ क्लास के साथ खेल रही होगी, इतना अच्छा होता है ना? आप किस क्लास में हैं? चार में हैं। आप किस क्लास में हैं? क्या नाम है आपका? आपकी हर कम सुनी। और आपका भाई कहाँ है? सलीम बुला कहाँ है? चलो कोई बात नहीं है, मैं दिखा रहा था आपको यहाँ की पोजीशन। प्रकृति की ऐसी विडम्बना, आप कहेंगे कि ये अभिशाप, इस तरीके का सहयोग दिया। अब इनकी बड़ी समस्या है, इनकी बड़ी समस्या है, आप शांत रहिए ना, मैं बात कर रहा हूँ। इनकी ये समस्या है कि क्योंकि हाथ हाथ में उंगली तो होगी ना, उसके माध्यम से आधार कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बनने की समस्या अभी तक इनका कोई आधार कार्ड नहीं बन पाया है। चार भैया गाड़ी पर्सनल ले गए, और सर आधार के पैसे उन्होंने हाफ जमा किए, 200 रुपये रखे, 100 रुपये जमा किए, और जमा करने के बाद फिर वहाँ से मतलब जो है कि अच्छे हो गए, बन नहीं पाया। ये बन नहीं पाया जी, उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, और क्योंकि सरकार के द्वारा
सभी सुविधाएं जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं। ऐसी विकलांगता में उम्र के निशान नहीं स्पष्ट हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाता है। तो ऐसी विकलांगता की वजह से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं अन्य तरीके से बनाया जा सकता है इस समस्या को निदान करना है। अन्य जो भी सहायता हो सकती है उस सहायता को दिया जाए शासन प्रशासन से, यही मांग है लोगों की तरफ से। मैं ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग इनकी वास्तविक दुख दर्द को समझेंगे और इस दिशा में काम करेंगे कि कुछ उनको राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ और का गाँव है बारह मऊ बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल व्यवस्थित संजय त्रिपाठी के साथ सपोर्ट रहेंगे।